हल्द्वानी कुमाऊं मंडल के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। खेल मंत्री रेखा आर्य और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 4,77,00,000 रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया, जहां अंतर राज्य स्तर का टूर्नामेंट हो सकेगा। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी के जोगिंदर रोतेला समेत भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भूमि पूजन के दौरान बातचीत में कहा, राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल मैदान बनाने का प्रयास कर रही है। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, यहाँ के स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की बेहद डिमांड थी, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को दूसरी जगह ना खेलना पड़े। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। करोड़ 77,00,000 और 39,000, ये छोटी रकम नहीं है। हल्द्वानी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जिसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। हमारी सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट दिया और अब जो आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो जाएगा। खिलाड़ियों, चाहे हमारे नैनीताल वासियों, सभी को बहुत बधाई है इस खेल मैदान से, इस फुटबॉल के मैदान से। मैं समझती हूँ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही साधारण बच्चे भी यहाँ आके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस धनराशि के साथ में, जो कि मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग दिसंबर तक का हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक में हम इसको पूर्ण कर लेंगे।